Hello friends, nowadays you must be hearing a lot about NTA, National Testing Agency, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी. ये है क्या? नीट एग्ज़ाम जो MBBS के लिए होता है, उससे ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई है और NTA के बारे में अब लोग जानना चाहते हैं. What is NTA? So NTA is National Testing Agency. इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का, जो कि आपकी मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय का, उसकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी स्थापना नवंबर 2017 में हुई थी. इसका कार्य था टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि वो परीक्षण या वो परीक्षाएँ करवाना जिनसे आपके बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन से संबंधित है, उनमें एडमिशन्स हो सके या रिक्रूटमेंट हो सके. ये बहुत सारे नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है जो एडमिशन्स और फेलोशिप के लिए बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक माने जाते हैं. और ये हर फील्ड में हो रहे हैं आज की तारीख में. ये फील्ड आपके इंजीनियरिंग हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकते हैं, फार्मेसी हो सकते हैं. तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? NTA वॉज एस्टैब्लिश्ड टू असेस द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द कैंडिडेट्स. जो कैंडिडेट्स एडमिशन्स लेना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उनकी क्षमता का, उनकी काबिलियत को एसेस करना और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना. इसलिए ये बॉडी बनी थी NTA की, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं, जो रिक्रूट किए जा रहे हैं, वो कम्पीट कर सकें. और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किसी प्रकार का कोई करप्शन ना हो, किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ ना हो, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, पारदर्शिता रहे एग्ज़ाम में, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए NTA की स्थापना हुई थी. इसका जो मिशन है, जो एम है, वो क्या है? टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन. इस प्रकार से परीक्षण करवाना, इस प्रकार से अनुसंधान करवाना जो कि विश्वसनीय हो, वैध हो, पारदर्शिता हो, जिसमें फेयर हो और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मैच करते हो, इस तरह के एग्ज़ाम कराना ही इसका मिशन है. NTA इस तरह का एक सिस्टम बनाता है, इस तरह का एक तंत्र बनाता है, वेयर द टीचर्स आर प्रमोटेड, द स्टूडेंट्स कैन लर्न प्रॉपरली एंड असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कैन बी डन, कि इस इंस्टीट्यूशन, इस संस्थान का स्तर क्या है. बिकॉज NTA स्ट्रांगली बिलीव्स इन क्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इक्विटी एंड सिक्योरिटी ऑफ असेसमेंट. सो क्वालिटी को मेंटेन रखना, पारदर्शिता को मेंटेन रखना, एफिशिएंसी को मेंटेन रखना, उसकी आवश्यकता को मेंटेन रखना, उसकी प्रभावशीलता को मेंटेन रखना, इसलिए NTA को बनाया गया है. इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कंडक्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट्स, टू अंडरटेक रिसर्च, इस प्रकार के अनुसंधान करना जिससे कि जो अभी वर्तमान में ज्ञान का तंत्र है और जो पहले से था, उसके बीच में अगर कोई गैप्स हैं, उनको ब्रिज करना, उनको फिलअप करना. टू आइडेंटिफाई एक्सपर्ट्स को, जो विशेषज्ञ हैं, जो संस्थान हैं, उन सबको पहचानना और उनको इस कार्य में लगाना. टू प्रोड्यूस एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स. तो किस प्रकार से हम व्यावसायिक विकास कर सकते हैं, इसके द्वारा ये सब NTA का कार्य होता है. आगे आप जान सकते हैं कि और क्या कार्य होते हैं NTA के, कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराना. आजकल आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का टाइम है. क्वेश्चन बैंक बनाना हर सब्जेक्ट के लिए, जिससे कि बच्चे उसे प्रैक्टिस कर सकें. एक स्ट्रॉन्ग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर डेवलप करना, इसके लिए एक्सपर्ट्स को लगाया गया है. और क्वालिटी टेस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना. टू कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से जब कोलैबोरेट करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बच्चे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के परीक्षण करवा सकते हैं. टू अंडरटेक द रिफॉर्म्स, किसी प्रकार के चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, और स्कूलों को, स्कूल बोर्ड्स को ट्रेनिंग देना, ये सारे कार्य NTA के होते हैं. जो मेन एग्जामिनेशंस NTA द्वारा कराए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप लोगों में देख सकते हैं, इग्नू,
स्टडी इन इंडिया, स्वयं मूक का जो स्वयं एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग का जो एग्जामिनेशन है बीटेक का, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन JEE जिसको कहते हैं, फिर स्पोर्ट्स का भी एग्ज़ाम होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, मैनेजमेंट का होता है CMAT करके, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, मेडिकल का होता है नीट, आप लोगों ने सुना होगा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट हो गया, JNU के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन कराते हैं, UGC नेट जो PhD के लिए आवश्यक है उसका एग्जामिनेशन कराते हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए NCHM एग्जामिनेशन कराते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के लिए एग्जामिनेशन कराते हैं, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए, MOOC एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम के लिए टीचिंग में, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी तो बताया मैंने आपको, इसके अलावा ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT भी फार्मेसी के लिए AICT द्वारा करवाया जाता है जिसको NTA ऑर्गेनाइज करती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट वॉट NTA इज़, what work does this body do, how is it important and how the examinations are conducted by this system. Thank you for watching and keep punching my like button and keep watching my videos for more such information and do press the bell icon. Thank you for watching.